मुजफ्फरपुर जिले की सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के बनघारा की है, जहां पड़ोस के ही चार लोगों पर घर में तोड़फोड़ और घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित महिला ने मामले को लेकर महिला थाना से लेकर के ग्रामीण एसपी सहित पुलिस महानिरीक्षक को भी लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित परिवार ने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। अभी हम मीनापुर जो सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पे अभी मौजूद है, जो रघई पंचायत पड़ता है, रघई पंचायत के वार्ड नंबर 4 में है, जहाँ पे देख सकते हैं कि महिला के दुख दर्द माने किस प्रकार रो रही है। देख रहे हैं कि हमारे पीछे ग्रामीण लोग भी हैं। एक बार दिखाइएगा, कैमरा मैन से दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि दिखाइएगा कि देखिए महिला से पूछते हैं क्या बया है, क्या माने क्या कुछ हुआ है हमारे साथ। सर ये हम कैसे लाल बच्चन जी के से हमारे जगह छोड़ दीजिए, हम माफी का जगह छोड़ देंगे। तो उसी आदमी का है कि हम जगह मार पीट के अगर जो हालत में होगा वो हालत में हम जमीन ले लेंगे, बाकी हम नहीं छोड़ेंगे। माने पूर्व से जमीन आप ही का है, सातों पुरुष से खानदान बीत गया, 200-300 बरस सर बीत गया, हमको नहीं रखने के हाल में हमको हाल कर दिया जाए। सब कौन तोड़तार किया है सब? लाल बच्चन सनी, चंदन कुमार, अजीत कुमार, रंजन कुमार, प्रकाश कुमार। तो इसका लिखित मैंने अपने आवेदन कहीं थाना वगैरह में दिए हैं, बाकी कोई नहीं सुन रहा है सर। कोई बड़ी पुलिस अधीक्षक यहाँ गए, एसपी साहब मिले हैं, कोई हमको आदेश नहीं दे रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। आवेदन में लिखा गया की मानवाधिकार मैंने आवेदन दिए है, आप आवेदन दे दिए, बाकी कोई नहीं सुना। कितना बार हम थाना पर दौड़ चुके, कोई उपाय नहीं है सर हमको। क्या नाम हुआ आपका? रेणु देवी। जो जमीन के जो पेपर है आप ही के नाम से है? ये जमीन का है उसका, तो हमको आगे वाला तू नहीं छोड़ रहा है। ये बाबा दादा के सातों पुष बीत गया, अखने के नापी में अमीन का शीशी, आपको जमीन नहीं है, जमीन है जगदीश सनी पाली का, सनी का जमीन है। तो ये जमीन पर हम कहें से अच्छा हम तोड़ देंगे, हमको रोड में के खाली कर दीजिए तो हम कर देंगे, बाकी नहीं उस करा। क्या नाम हुआ आपका? रेणु देवी। पति के नाम क्या पड़ा? वकील सनी। ये कौन सा जगह कौन सा पड़ा? ये जगह बुधराम सनी का, किदवा पाली सनी, जगदीश सनी का, सातों पुष्प।